Assalamualaikum students, it's me Taiz Wan. आज का हमारा टॉपिक है Lee Chatelier's principle. Lee Chatelier's principle में हम पढ़ेंगे effect of change in concentrations, effect of change in pressure or volume, effect of change in temperature and effect of catalyst on equilibrium position. What is Lee Chatelier's principle? Lee Chatelier's principle की इसकी statement है कि अगर कोई स्ट्रेस आप अप्लाई करते हो ऐसे सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि उस स्ट्रेस को क्या करेगा, नलीफाई करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा जितना हो सकेगा उससे. अब इस जो प्रिंसिपल है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन असर्टनिंग द पोजिशन एंड कंपोजिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ली शेबलियर्स प्रिंसिपल. इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, बिस्मिथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे. बिस्मिथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्लाउडी सॉल्यूशन मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड. बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड जो है ये व्हाइट कलर का पिगमेंट बनाता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो क्लाउडी हो जाते हैं. अब अगर ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, फर्ज करिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं. स्ट्रेस हम बहुत से तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे हम स्ट्रेस कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बाय एडिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट. एक रिएक्टेंट हमने ऐड कर दें, जैसे पानी यहां पे रिएक्टेंट है तो पानी हमने ऐड कर दें. पानी ऐड करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, इस वजह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन में. तो अगर आप एक रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में. इसी तरह आप अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाना चाहते हो बाय एड विदाउट एडिंग वाटर, तो आप क्या करो, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर दो, लाइक HCl रिमूव कर दो. बाय रिमूविंग HCl और बाय एडिंग वाटर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मोर बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड विल फॉर्म, द सॉल्यूशन बिकम्स क्लाउडी. ठीक है, अब इसका बिल्कुल उल्ट है कि अगर आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ऐड करो या फिर रिएक्टेंट जो है वो कोई भी रिमूव करो, जैसे हम अब HCl जो है वो ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम में, ऐड करने से क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट कम हो जाएगी, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट. अब सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट करने का एक और तरीका भी है, बाय रिमूविंग वाटर. हम वाटर को रिमूव कर दें तो फिर भी सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा. तो बाय एडिंग HCl और बाय रिमूविंग वाटर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स रिएक्शन एंड द सॉल्यूशन बिकम ट्रांसपेरेंट. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम उन रिएक्शंस के लिए सिग्निफिकेंट है, उन रिएक्शंस के लिए सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा जो गैसियस फेज रिएक्शंस हैं. और वो गैसियस फेज रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. अमोनिया आप सिंथेसाइज करते हो नाइट्रोजन, रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. हम देख रहे हैं कि चार मोल रिएक्टेंट के अंदर आर फोर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच रिएक्ट टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. चार मोल ऑफ रिएक्टेंट दो मोल प्रोडक्ट के बनाते हैं. वॉल्यूम जो है पहले ही प्रोडक्ट का कम है. द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स. वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है. अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजिशन पे यहां पर प्रेशर अप्लाई करे, इस रिएक्शन पे अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होगा, द प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज फर्दर, दोबारा और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. और ज्यादा डिक्रीज होने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कॉन्सिक्वेंटली नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमोनिया विल फॉर्म. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अमोनिया सिंथेसिस. तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो, दैट फोर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स.
the volume of product is always less than, already less than the volume of reactants. If someone applies pressure on equilibrium mixture, then the volume of product decreases further and the reaction will proceed in forward direction, more ammonia will form. अब इसी तरह सेंसेस ऑफ SO3 है, SO3 सेंसेस में भी आप इसी यही वाली चीज जो है वो यूज करोगे, SO2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म SO3। अब बेसिकली यहां पे भी तीन मोल जो है वो रिएक्टेंट के हैं और दो मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, तीन मोल रिएक्टेंट्स के दो मोल प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम पहले ही कम है। अगर कोई प्रेशर अप्लाई करता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे तो फिर क्या होगा, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के हवाले से यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, लाइक अगर आपको वो कहे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस आप जो है वो किसी भी रिएक्शन में डाल रहे हो, ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप उसमें कोई भी इनर्ट गैस जो है वो डाल रहे हो, तो उस इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपने याद रखना है कि इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप उसे डाल रहे हो किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम में। इसी तरह एंड कांस्टेंट प्रेशर पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि कांस्टेंट प्रेशर वाले रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के वो इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कोई इनर्ट गैस डालते हो तो फिर उसका जो है वो इफेक्ट होगा, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई आप इनर्ट गैस डालते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपने पढ़ने इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो रही है। तो फर्ज करें हम टेम्परेचर या हीट, हीट को कंपोनेंट लेते हैं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ये कंपोनेंट है। तो फिर हमारे पास दो तरह के बेसिकली रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो हीट बेसिकली प्रोडक्ट वाली साइड पे। ये हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें मैंने हीट को जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट वाली साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। तो बेसिकली अगर हम इसको कंपोनेंट समझें कि ये कंपोनेंट है इस रिएक्शन का, तो हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे By increasing the temperature, आप अगर temperature increase कर रहे हो तो basically आप product increase कर रहे हो, तो product increase करने से reaction proceed करेगा backward reaction में और A और B ज्यादा बनेंगे। तो exothermic reactions के लिए ये बड़ी important चीज है कि अगर आप temperature ज्यादा करोगे then the reaction will proceed in backward reaction, और by removing और by रिमूविंग द हीट और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द हीट कंटेंट्स ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे अमोनिया सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया सिंथेसिस में रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इस वजह से बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्योंकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से मैं हीट को रिएक्टेंट वाली साइड पे लिख रहा हूं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, जब रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड रिएक्शन, the reaction will proceed in forward direction। और अगर आप temperature कम करोगे तो आप basically heat कम कर रहे हो, basically reactant कम कर रहे हो, then the reaction will proceed in backward direction। For example हमारे पास यहां पे potassium iodide solid है, ये convert होता है into potassium iodide aqueous में, इसका हमने solution बनाया है, इसका हमने क्या बनाया है, इसका हमने solution बनाया है। सोल्यूशन जो है वो
एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जितना हीट करोगे इसको, पोटेशियम आयोडाइड को, उतना ही ये डिसॉल्व होता जाएगा वाटर में। और जितना आप जो है वो इसका टेम्परेचर कम करोगे उतना वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हीट जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट बढ़ती है जिससे रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन में और इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे ये वाली चीज हम फर्दर लेके चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे होती है। तो अगर हमने सॉलिबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक जो सॉल्ट्स है उनकी बढ़ानी है, एक्सोथर्मिक सॉल्ट्स जो है उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ानी है, तो फिर हमको जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, जैसे लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट की डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब है हीट रिलीज होती है जब आप इन्हें डिसॉल्व करते हो। तो अगर आप हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो अगर आप जो है वो टेम्परेचर कम करोगे तो फिर इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो फिर इनकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो सॉलिबिलिटी है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर रिएक्टेंट बढ़ेंगे, मतलब रिएक्टेंट बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन में और सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बोरेक्स हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इनकी डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है। और डेल्टा एच ऐसे सॉल्ट्स जिनकी डेल्टा एच जो है वो इट इज वेरी नियर टू जीरो, वो सॉल्ट्स जो है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, टेम्परेचर से उनकी सॉलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक दफा दोबारा इसको देख लें कि डेल्टा एच नेगेटिव होगी तो फिर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा एच जीरो होगी तकरीबन या नियर टू जीरो होगी तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉलिबिलिटी में। लास्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का बेटा कोई इफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर देता है रिएक्टेंट्स की, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को इक्वली सपोर्ट करता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने में हमारी मदद करते हैं, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये टोटल आज हमारा टॉपिक था ली शेटलियर्स प्रिंसिपल का। होप के तमाम बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी कमेंट किएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मजीद जो है वो बच्चों को अच्छी तालीम जो है वो दी जा सके। थैंक यू।